नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, सीबीआई का जिन अब बोतल से बाहर निकल चुका है और वैसे भी ऐसे जो जिन होते हैं वो चुनाव के आसपास निकलना शुरू कर देते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नज़र उत्तर प्रदेश पर है। रिवर फ्रंट मामले में सोमवार यानी कि आज सीबीआई की एंटी करप्शन विंग ने एक साथ यूपी में कई जगहों पे छापे मारे। दो दिन पहले ही सीबीआई ने इस मामले में 190 लोगों पे एफआईआर भी दर्ज की थी। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कई करीबी नेता भी बताए जा रहे हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इससे पहले रिवरफ्रंट का ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा में छापेमारी की है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में सीबीआई की इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि पूरा मामला क्या है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के लिए सपा सरकार ने 1513 करोड़ स्वीकृत किए थे। इसमें 1437 मीन्स 1 करोड़ 1 फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए जारी होने के बाद केवल 60% ही काम होता है और 95% बजट जारी होने के बाद केवल और केवल 40% काम अधूरा बना रहता है। जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो इसकी न्यायिक जांच शुरू हुई। डिफॉल्टर कंपनी को ठेका देने के लिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया और पूरे पूरे बजट में करीब 800 टेंडर निकाले गए थे जिसका अधिकार चीफ इंजीनियर को दे दिया गया था। मई 2017 में रिटायर्ड जनरल आलोक कुमार की अध्यक्षता में कराई गई न्यायिक जांच में कई खामियां उजागर हुई। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर योगी सरकार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की। घोटाले में 19 जून 2017 को गौतमपल्ली थाने में 8 के खिलाफ आपराधिक दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद नवंबर 2017 में ईओडब्ल्यू ने भी जांच शुरू की थी और दिसंबर 2017 में मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई और सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी। दिसंबर 2017 में आईआईटी की टेक्निकल जांच भी की गई। इसके बाद सीबीआई जांच का आधार बनाते हुए मामले में ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया और अब देखते हैं कि किन के खिलाफ जो है आरोप लगे हैं। गोमती रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य से जुड़े इंजीनियर दागी कंपनियों के को काम देने, विदेशों से महंगा सामान मंगवाने और चैनलाइज के काम में घोटाला करने, नेताओं और अधिकारियों के विदेशी दौरों में फिजूल खर्ची करने सहित वित्तीय देन लेन में घोटाले का आरोप लगा है। इसके अलावा नक्शे के अनुसार काम न होने पर भी काम न होने के भी आरोप हैं। इस मामले में 8 इंजीनियर के खिलाफ पुलिस, सीबीआई और ईडी मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इसमें तत्कालीन चीफ इंजीनियर योगेश चंद गर्ग, एस एन शर्मा, काजिम अली, शिव मंगल सिंह, कमलेश्वर सिंह, रूप सिंह यादव, सुरेंद्र यादव आदि नाम प्रमुख है। ये सभी सिंचाई विभाग के इंजीनियर हैं जिन पे जांच चल रही है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई ने एक साथ कई घोटालों पर कार्रवाई तेज कर दी थी और उसमें सीबीआई ने शारदा चिटफंड घोटाले, नारदा स्टिंग केस, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने टीएमसी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा था। और अब देखना यह है कि अब ये जो जांच शुरू हुई है इसमें इसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बाद अब चुनाव यूपी में भी होने वाले हैं और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीबीआई का जिन बॉटल से बाहर निकल चुका है। अमूमन आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले ऐसे जो जिन होते हैं बॉटल से बाहर निकल आते हैं और बड़ी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बड़ी तेजी से छापेमारी चल रही है और पहले ही सीबीआई इस मामले में 190 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अब देखना है कि
आगे क्या होता है। तो ये थी पूरी खबर। दोस्तों एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।